गेहूँ की पहली सिंचाई के बाद ऐसे कौन से खाद का प्रयोग करें जिससे कि जो हमारी गेहूँ की फसल है उसके अंदर कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो हमारी आमदनी है, जो हमारा उत्पादन है गेहूँ का, वह काफ़ी हद तक बढ़ जाए, वो किसान भाइयों को एक अच्छा सा फायदा देखने को मिल जाए। किसान भाइयों, इस समय तक लगभग आधे किसान भाइयों ने गेहूं की फसल की बुआई कर दी है और वह एक एक सिंचाई। ये वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों ने गेहूं की पहली सिंचाई कर दी है। किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करना है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा और आपके जो गेहूं के कल्ले हैं इनकी संख्या एक एक दाने से लगभग 18 से 20 तक निकलेगी, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की पहली सिंचाई के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि कल्लों की संख्या बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो आप पहली सिंचाई करेंगे, पहली सिंचाई आप अपनी गेहूं की जो करते हैं वह है लगभग 18 से 20 दिन के आसपास आप कर लेते हैं। वो यह मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी किस तरह की, अगर बारू मिट्टी है तो 18 से 20 दिन तक आप सिंचाई कर लेते हैं और यदि मिट्टी आपकी मोटी है, दोमट है, तो आपको पहली सिंचाई लगभग 30 से 35 दिन के आसपास करनी होती है। किसान भाइयों, लगभग जिन किसान भाइयों ने सिंचाई कर ली है उनके लिए मैं बता दूं उन्हें करना क्या है। किसान भाइयों, आपको 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लेनी है, 10 किलोग्राम आपको सागरी का लेना है, जो इफ्को का उत्पाद आता है सागरी का, ये आपको 10 किलोग्राम लेना है, और सल्फर की मात्रा आपको 5 से लेकर 8 किलोग्राम सल्फर की मात्रा की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपनी गेहूं के अंदर इसका बिखराव करवा देना है। ध्यान रहे, पहली सिंचाई के लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको ये काम करना है, जब आपके पैर आपके गेहूँ के खेत के अंदर नीचे ना बैठे तब आपको ये काम करना है। किसान भाई, इससे होगा क्या कि लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपके गेहूँ की फसल के अंदर नीचे से कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते और आपको एक अच्छा फायदा और अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल का देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आप एक बात का गेहूं की फसल में और ध्यान दें कि यदि आपकी गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार हो गए हैं तो आपको खरपतवार नाशी का भी उपयोग इसमें करना होगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस खरपतवार नाशक का उपयोग करके गेहूं की फसल से खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं और हो सकता है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें।